नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। सोशल मीडिया को लेकर अब केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पत्र लिखकर पूछा कि क्या उन्होंने आज से प्रभावी होने वाले नए डिजिटल नियमों का पालन किया है और इस मामले में आज ही उनसे जवाब मांगा है। दरअसल मोदी सरकार ने 25 फरवरी को सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी और नियमों को सख्त किया था। सरकार ने इन कंपनियों को नई गाइडलाइंस लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। 25 मई को केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस की तिथि समाप्त हो चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस को लागू नहीं करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत में प्रतिबंध किया जा सकता है, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर भी शामिल है। सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को नए नियमों का पालन करने के लिए 3 महीने का समय दिया था, जिसके लिए उन्होंने भारत में एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने, शिकायत प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करने और कानूनी आदेश के 36 घंटे के भीतर कथित सामग्री को हटाने के लिए कहा था। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शीर्ष कंपनियों से जानकारी मांगी है और इस बात पर जोर दिया है कि कंपनियां इसकी पुष्टि करें और अपना जवाब जल्द से जल्द आज ही दें। कंपनियों को एक प्रमुख अनुपालन अधिकारी, एक नोडल संपर्क व्यक्ति, एक निवासी शिकायत अधिकारी और भारत में कंपनी का एक भौतिक पता और संपर्क विवरण देना होगा। मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता कहती है कि महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ या ऐसी साइटें जो तीसरे पक्ष की जानकारी, संदेश और पोस्ट होस्ट करती है, यदि वो नियमों का पालन करने में विफल रहती है तो वो मुकदमों और अभियोजन से सुरक्षा खो देती है। ऐसे में अब सरकार सख्त हो गई है और सभी सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म्स को पत्र लिखकर उन्होंने आज ही जवाब मांगा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।